आज कारगिल विजय दिवस है और 1971 की लड़ाई हो या 1965 की हो या उससे पहले की कोई ये लड़ाई हो तो उसकी हम सबको इतनी ज़्यादा यादाश्त में नहीं है, या तो हम छोटे थे या थे, लेकिन कारगिल एक ऐसी लड़ाई है जो मेरे ख्याल से हम जितने भी भारतवासी हैं उन सबके दिमाग में और दिल में अच्छे से, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। और हम सब खास करके जो फौजी लोग हैं किसी न किसी तरीके से उस लड़ाई में हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व पाते थे। मैं भी इस लड़ाई के दौरान, मेरी पोस्टिंग गांधीनगर से हुई उधमपुर एक ब्रिगेड में, और मैंने वो देखा है जब वो ट्रूप्स भाग रहे थे, ट्रेनें चल रही थी, और आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जानकर के, इनको नहीं मालूम है कि ट्रेन कहीं कलकत्ता से चली और जम्मू तक पहुंच गई कोई 28-30 घंटे में। कहीं कोई हॉल्ट नहीं था, किसी को कोई खाना पानी कुछ नहीं, जहां उनको ड्राइवर को रेस्ट देना है उन्होंने ड्यूटी बदली और उतने में जिसने पानी पूनी भर लिया उस तरीके से दौड़ देते। जितनी हमारी फौजें उस समय कश्मीर वैली में थी, राष्ट्रीय राइफल वगैरह जो काउंटर इंसिडेंट की चल रही थी, क्योंकि ले के ऊपर की लड़ाई थी और जरूरत ये थी कि वहां पर हाई एल्टीट्यूड है, वहां पे जाने के लिए कम से कम भी ले की हाइट पे 9000 फुट पे जाने के लिए कम से कम 7 दिन का एक्मडाइजेशन होता है ताकि आपकी बॉडी मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। और जहां ये लड़ाई हो रही थी एक्चुअली या होनी थी वो कोई 12,000-14,000 फुट, जहां पे कि आपको एक स्टेज और यानी और 4 दिन काटने, तो समय नहीं था कि फौज कहां से कहां पहुंचे। लेकिन तो सबसे पहले जो कश्मीर वैली में थे शामिल राष्ट्रीय राइफल कोई भी था उसको उठा